श्रीनगर तक 800-900 हज़ार रुपया समझ लो बांटते जाओ, अगर ना दो तो मोटे चलान। यही कारण है कि आप टैक्सी छोड़कर अब ऑटो चला? बिल्कुल मैम, यही कारण है। पर आपको नहीं लगता यहाँ आपकी भी गलती कि आपने बेफजूली बिना किसी रीजन के पैसा? देखिए, हम अगर नहीं दें तो खाम खामे हमारा जूते का चलान कर देंगे, हमारी पैंट का कर देंगे, हमारी शर्ट का कर देंगे, किसी भी चीज का उन्होंने चलान करना है। तो इससे अच्छा चलान करवाने से कभी कोर्ट में भागना, कभी उधर भागना, इससे अच्छा तो 100 रुपया दिया, खलासी करवाओ। ट्रैफिक पुलिस की बदौलत जम्मू का आम आदमी बहुत परेशान हो चुका है, इतना परेशान हो चुका है कि अब मजबूर हो चुका है कि अपना काम काज छोड़कर घर बैठने को तैयार है। मेरे साथ इस समय आप ये जो शख्स देख रहे हैं, ये पहले टैक्सी ड्राइवर थे। ट्रैफिक पुलिस की हरकतों को देखकर, उनकी काम के तरीके को देखकर इन्होंने अपना काम छोड़ दिया और अब फिलहाल जो है ये दूसरा काम इन्होंने जो है वो शुरू कर दिया। इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की कुमार है मैम। अच्छा जी, मुझे बताएं कि क्या हुआ था, कितना टाइम हो गया आपको टैक्सी चलाते हुए, मतलब क्यों आपने काम छोड़ा, वो सब बताएं। देखिए मैम, मैंने 5 साल जो है टैक्सी जो है चलाई, फिर उसके बाद जो अगर मैं जम्मू से गाड़ी भरता हूँ ना, तो जम्मू से ही जो ट्रैफिक वाले शुरू हो जाते हैं, पहले तो एंट्री लेते थे, आजकल तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैं आजकल ऑटो चला रहा हूँ। तो श्रीनगर तक 800-900 हज़ार रुपया समझ लो बांटते जाओ, अगर ना दो तो मोटे चलान। अच्छा। तो आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से मैंने आज एक न्यूज़ देखा जहाँ पे कजवानी चौक पे एक बस को रोका गया, तो उस बस में जो टूरिस्ट वहाँ से जो बाहर से आए हैं तो उनको रोक कर उनके साथ मारपीट की, और मारपीट करने के बाद उनका चलान भी मोटा काटा गया। तो ये बहुत गलत तरीका है। एक तरफ तो सरकार जी सम्मेलन 20 जो है बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कर रही है, तो ऐसे में कैसे बिजनेस बढ़ेगा? मुझे बताएं कि 5 साल से आप टैक्सी चला रहे थे, लगभग कितने मतलब कितना पैसा जो है आपने बेफजूली का ट्रैफिक पुलिस को दिया होगा? देखिए, इसका तो हिसाब नहीं है। जैसे ही हम टूर पे निकलते थे तो जम्मू से ही समझ लो कि पैसा बांटना शुरू हो जाता था। कहाँ से? जम्मू से अगर मैं चला हूँ, पहला तो आ जाता है ये केसी चौक में नाका, उसके बाद आ गया जी आगे शकुंतला पर। अच्छा। फिर उसके बाद आमफला में आ गया, रियाड़ी चुंगी में आ गया, फिर वो मांडा में आ गया। अच्छा। फिर उसके बाद नगरोटा में आ गया। किस बात के पैसे कभी आपने पूछे? देखिए, हम जब भी उनसे पूछते थे कि वो बोलते थे डॉक्यूमेंट्स निकालो। अच्छा। डॉक्यूमेंट्स निकालने के बाद भी कोई ना कोई खामी ड्राइवर की जो निकाल देते हैं, तो उससे क्या होता है फिर ड्राइवर को चलना होता है इनके साथ, तो डेली का पंगा करने आपके से। आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स? बिल्कुल पूरे डॉक्यूमेंट्स थे। अच्छा जी। तो फिर किस बात के पैसे? ये तो मैम हमें पता नहीं, क्योंकि हमने टूर के लिए आगे निकलना होता है, तो अगर हम इन्हीं के साथ बैस बिछाई करते रहेंगे तो हम आगे नहीं निकल पाते। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा किस्सा बताएं जब ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपसे इस तरीके का मतलब ऐसे पैसे मांगे हों या कुछ? देखिए, अभी तो लंबी बात हो गई है क्योंकि 5 साल हो गए मुझे टैक्सी छोड़े, तो उसके बाद आजकल तो मैं ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ, तो ऑटो रिक्शा अब अपने घर का जो गुजारा है इसी से मैं कर रहा हूँ। कितने कितने पैसे लेते थे ट्रैफिक पुलिस वाले? उस वक्त मैम कहीं पे 200 लेते थे, कहीं पे 100 रुपया एंट्री, जो एंट्री बेस वो एंट्री के नाम पर एंट्री बेस जो लेते थे। अच्छा। तो आजकल तो मुझे पता नहीं है इसके बारे में। अच्छा, तो सिर्फ आप ही से के बाकी भी जो यहाँ से जाते? टोटली जितने भी ड्राइवर्स हैं उनसे सभी से यही काम चलता था। तो कभी आपने मिलजुल कर बातचीत करने की कोशिश नहीं की? कभी आप आरटीओ के पास नहीं गए? देखो, टैक्सी ड्राइवर की कौन सुनता है, ड्राइवर की कौन सुनता है। तो आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से हमने आज ही देखा, बस को पूरी बस को रोका, उनके साथ मारपीट भी की, चलान भी काटा गया। तो उन्होंने बताया कि 25-30 लाख रुपए की वो बस लेकर आए हैं, तो बस ऐसे थोड़ी चलती है, डॉक्यूमेंट्स है तो चलती है। बताएं कि अब आप ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, अब भी क्या ट्रैफिक पुलिस का वही व्यवहार? नहीं, ऑटो रिक्शा में ऐसा नहीं है। अच्छा। ऑटो रिक्शा में आराम है। अच्छा। ये है कि आराम से हम अपना घर का जो गुजारा जो है नहीं, नहीं तंग नहीं करते हैं ट्रैफिक वाले, अब नहीं करते। ऑटो रिक्शा को नहीं करते हैं, ऑटो रिक्शा को नहीं करते हैं, पहले करते थे, आजकल नहीं करते हैं। अच्छा। ट्रैफिक, आपने भी पहले गाड़ी चलाई है? ये हमारी गाड़ी लगी है ना सामने, हाँ दूसरी वाली गाड़ी, इनका भी ऑटो, मेरा भी ऑटो ही है ना। आजकल नहीं, ट्रैफिक वाले आजकल ऑटो वालों को तंग करते ही नहीं है। अच्छा, कोई कोई बड़ा बदतमीजी बोल दे तो उसके लिए बोलती हैं वो। कभी आपके साथ बदतमीजी हुई ट्रैफिक पुलिस वालों ने गाली गलौज की? देखिए, उस वक्त तो काफी सारे ऐसे मामले होते रहते थे। अच्छा, मारपीट वाले? नहीं, मारपीट इतनी नौबत नहीं आई मारपीट तक, मतलब बदतमीजी। हम उनकी एंट्री दे देते तो मारपीट किस बात की करेंगे? पर आपको नहीं लगता यहाँ आपकी भी गलती कि आपने बेफजूली बिना किसी रीजन के पैसा? देखिए, हम अगर नहीं दें
तो खामखा में हमारा जूते का चलान कर देंगे, हमारी पैंट का कर देंगे, हमारी शर्ट का कर देंगे, किसी भी चीज़ का उन्होंने चलान करना है। अच्छा। तो इससे अच्छा है चलान करवाने से, कभी कोर्ट में भागना कभी उधर भागना, इससे अच्छा तो 100 रुपया दिया खलासी करवाओ। आम जनता आम आदमी के तौर पर क्या आपने सवाल कभी नहीं किया अपने बेसिस पर कि आप किस चीज़ का चलान कर रहे हैं, और अगर 100 रुपया ले रहे हैं तो प्रॉपर बताइए कि क्यों लिया जा रहा है? ऐसा वाकया मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं जान से मैंने सर्विस भरी अपनी गाड़ी, ठीक। तो पहला इन्होंने एंट्री मेरे से ले ली इधर रियाड़ी जुंगी में, ठीक। उसमें कश्मीरी काफ़ी सारे बैठे हुए थे। उसके बाद मुझे रोक लिया नगरोटा में, ठीक। तो वहाँ भी वो उस वक्त मेरे मुझे चलान दिया, मेरे पास फटका भी पड़ा था। अच्छा। मैंने उसको बताया भी ये फटका है, बोलते नहीं जी ये आप एंट्री भरो। तो वो कश्मीरी थे, वो भी उनको बहुत सारा चलाए भी, आप किस बात के पैसे मांग रहे हो? अच्छा, फिर तो फिर क्या मैम, फिर उन्होंने छोड़ दिया, तो फिर हम आगे निकले वहाँ से। यही कारण है कि आप टैक्सी छोड़कर अब ऑटो चलाते? बिल्कुल मैम, यही कारण है, क्योंकि ऐसे में तो अपने घर का खर्चा भी नहीं निकलता, टैक्सी की कान से हमने इंस्टॉलमेंट भरनी थी। जी, ट्रैफिक पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, JKP जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला अधिकारी आपको देख रहे हैं, बड़े बड़े अफसर देख रहे हैं, क्या उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे इस नाकामी? बिल्कुल बिल्कुल कहना चाहूँगा मैं, जितने भी आला अधिकारी जो देख रहे हैं इस वक्त हमें, मैं उनको अब यही अपील करूंगा कि टूरिस्ट को जम्मू में बढ़ावा दे, क्योंकि इस वक्त जम्मू की हालात आप देख सकते हैं, आप कैमरा घुमाए, ये करोड़पति दुकानदार है, तो आज इनकी हालात देखिए आप, एक भी ग्राहक नहीं है इनकी दुकान के अंदर। अगर इनका काम होगा तो आम ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले का सभी का काम चलेगा। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि इनका कहना है कि ट्रैफिक पुलिस के कामों को लेकर इतना परेशान हो गए कि पहले टैक्सी चलाते थे, उससे अपना घर बार चलाते थे, और अब टैक्सी छोड़कर ये सामने आप ये जो ऑटो देख रहे हैं ये ऑटो चलाते हैं, यानी नौबत अब जो है ये आ चुकी है कि अब जम्मू की आम जनता जो है वो कामकाज भी ढंग के तरीके से नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशंस इन सब लोगों को सिखाया जाता है, आम जनता को रूल्स एंड रेगुलेशंस सिखाए जाते हैं, हेलमेट पहननी है, ये करना है वरना आपका इतना चलान हो जाएगा, सेफ्टी की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो चलाए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब इन्हीं सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस के कर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मी जब नज़र आते हैं बिना हेलमेट के, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उनकी बाइक पर नहीं होती है, उस दौरान उनसे कोई भी आला अधिकारी, कोई भी बड़ा अफसर बैठा हुआ अपने दफ्तरों में ये सवाल नहीं करता है कि कानून आपके लिए भी वही है जो इनके लिए कानून है। उम्मीद यही रहेगी कि ये जो आला बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये जो बड़ी बड़े रैंक पर हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो ज़रा देखें एक बार सड़कों पर उतर कर के आम आदमी को रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाए जा रहे हैं, लेकिन उन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है।